अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम शेफ। मैं नसरीन। आज हम बनाएंगे सेख कबाब। सेख कबाब बनाने के लिए मैंने लिए हैं 250 ग्राम मटन का कीमा, जिसे थोड़ा सा मिक्सर में मैंने महीन कर लिया है। दो मीडियम साइज के प्याज कद्दूकस किए हुए, जिसका पानी निकाल लिया है। एक टेबल स्पून अदरक कद्दूकस किया हुआ, एक टेबल स्पून लहसुन पिसा हुआ, लहसुन का पेस्ट, दो टेबल स्पून दही जिसका पानी निकाल लिया है मैंने, दो टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, एक टीस्पून चिली फ्लेक्स, एक टीस्पून हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक पूरा नींबू का रस, दो टेबल स्पून धनिया जिसे मैंने बारीक काट लिया है तेल तलने के लिए, एक चौथाई चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून चाट मसाला पाउडर, एक टीस्पून गरम मसाला और नमक स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को कीमे में हम बारी बारी से डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। कीमे में तमाम मसाले मिलाने के बाद कम से कम इन्हें हमें 5 से 10 मिनट आपस में अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाले का सारा फ्लेवर कीमे में आ जाए। सारे मसाले, बेसन मैंने बाउंडिंग के लिए लिया है, बाइंडिंग के लिए। दही आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, दही से मॉइस्चर होता है। नींबू का रस, धनिया पत्ती, तमाम सूखे मसाले भी चले जाएंगे इसमें। इन तमाम चीजों को हम 5 से 10 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे में। मिक्स हो जाने के बाद बीच में थोड़ा सा जगह निकालकर हम एक प्याली रखेंगे। अब हम इस प्याली में एक जला हुआ कोयला डालेंगे। इस पर 1/2 टीस्पून हम डालेंगे घी, ताकि इसका स्मोकी फ्लेवर पूरे कीमे में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट हम इसे ढककर रखेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में डाल देंगे। फ्रिज से निकालने के बाद अब हम इसका कबाब बनाएंगे। ये मैंने 4-5 स्क्रूअर्स को आपस में बना सीख की तरह बांध लिया है। इसे आधा घंटा पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। अब हम धीरे धीरे एक एक करके कीमे का बॉल बनाएंगे और इसे स्क्रूअर्स में सीख कबाब का रूप देंगे। हाथों से अच्छे से दबाकर इसको हम कबाब का शेप दे देते हैं। इसी तरह से सारे कबाब हमें तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमने सब बना लिए हैं। पैन गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल भी हमारा गर्म हो गया। अब धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे हम अपने कबाब इसमें डाल देंगे। कुछ कबाब मैंने बिना स्क्रूअर्स के भी डाले हैं, आप जैसे चाहें वैसे डाल सकते हैं। थोड़ा सा ढककर इसे पका लें, ताकि अंदर से भी ये पक जाए। बारी बारी से इसे धीमी आंच पर पलट पलट के चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। हमारा कबाब लगभग हो चुका है। हम इसे पेपर टॉवल पर निकाल लेते हैं। बाकी कबाब भी हम इसी तेल में तल कर निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे कबाब रेडी हैं। हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। थोड़ा सा बटर गर्म कबाब पर, इससे इसकी खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। इसे डिप या चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।